हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अलीमा पे में कैसे लोकल बेनिफिशियरी ऐड करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अलीमा पे ऐप ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों यहां पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग यहां पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूं। तो दोस्तों अब ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों लोकल बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए यहां पर लोकल ट्रांसफर में क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर दिख रहा है आपको प्लस का आइकन कर्नल में, तो ये प्लस का आइकन में हम लोग क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर से अपना बैंक चूज कर लीजिए। सबसे पहले कौन सा बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं आप लोग, वो बैंक यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मेरा तो अरब नेशनल बैंक है, तो मैं अरब नेशनल बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर अपना आईबीएन नंबर इंटर करिए। आईबीएन नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों यहां पर बेनिफिशियरी नेम ऐड कर लीजिए। बेनिफिशियरी नेम ऐड करने के बाद दोस्तों यहां पर निकनेम ऐड करेंगे। अब दोस्तों यहां पर सारा कुछ ऐड करने के बाद यहां पर सबमिट में क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अपना सब कुछ डिटेल्स चेक करके कंफर्म में क्लिक कर देंगे। कंफर्म में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर ओटीपी कोड आएगा, वो ओटीपी कोड यहां पर इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट इंटर कर लेता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा बेनिफिशियरी सक्सेसफुल ऐड हो गया। तो दोस्तों अलीमा पे में इस तरह से बड़ी आसानी से बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।